नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाउन से। बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल सागर की राजनीति में रोज ही कांग्रेस और बीजेपी को नए नए झटके महसूस हो रहे हैं। जी हाँ, सागर की नरयावली सीट पर भी ऐसा ही कुछ देखने को तब मिला जब कांग्रेस नेत्री शारदा खटीक, जी हाँ, जिला पंचायत सदस्य शारदा खटीक ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। जी हाँ, बड़ी खबर है। चार बार की जिला पंचायत सदस्य और कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री शारदा खटीक अपने पार्षद बेटे के साथ भाजपा में शामिल हो गई है। सागर की नरयावली विधानसभा सीट पर कांग्रेस बगावत के बीच अब गिरती नजर आ रही है। लगातार प्रत्याशी के रूप में सुरेंद्र चौधरी का नाम घोषित होने के बाद से विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। टिकट की दावेदारी कर रहे कांग्रेस नेता लगातार टिकट बदलने की मांग करते रहे और इसी बीच बगावत कर रही कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री व चार बार की जिला पंचायत सदस्य शारदा खटीक ने शनिवार को भोपाल पहुंचकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष भाजपा की सदस्यता ले ली है। उनके साथ में विधायक प्रदीप लालिया भी नजर आ रहे हैं, साथ ही उनके पार्षद बेटे जित्तू खटीक ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है। जित्तू खटीक मकरोनिया नगर पालिका में कांग्रेस के पार्षद हैं। भी नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव केवल एक वोट से हारे थे। माँ बेटे को मुख्यमंत्री चौहान ने भाजपा की सदस्यता दिलाई है। इस दौरान नरयावली सीट से भाजपा प्रत्याशी व विधायक प्रदीप लारिया भी मंच पर मौजूद थे। कुल मिलाकर अब नरयावली का गणित बिगड़ता नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर जो पहले नजर आ रहा था कि कांग्रेस एक लहर सी बन रही थी, उसको जरूर एक झटका लगा होगा, लेकिन अभी चुनाव को बहुत वक्त है और इस बीच में क्या किस पार्टी में क्या फेरबदल होता है, क्या नए नए समीकरण बनते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सागर टाइम्स न्यूज़।